हेलो एवरीवन, जार स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। लेक्चर का पीडीएफ और पीपीटी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है। मेरा नाम है उदय और मैं इंग्लिश ग्रामर का एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटिमोलॉजी के बारे में, वर्ड्स के ओरिजिन, टाइप्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। अभी टोटल वर्ल्ड में लिविंग ह्यूमन लैंग्वेजेज कितने हैं? 7,117 लैंग्वेज हैं, 7,117, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है इनके प्रॉपर्टीज को देखते हुए, और उन सारे कैटेगरीज को क्या बोला गया है, लैंग्वेज फैमिली। ये टोटल कितने होते हैं? 142 है, मतलब कि 7,117 भाषा जो है इन लोगों को जो है एक अलग अलग फैमिली में, एक अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, टोटल 142 ग्रुप में। अगर हम संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की बात करें तो, और इसके साथ एक दो और लैंग्वेजेज हैं, उन्हें जो है एक ही ग्रुप में रखा गया है, एक ही फैमिली में रखा गया है, और इस फैमिली का नाम क्या है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ऐसा क्यों है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश ये सारे लिखे अलग अलग तरीके से जाते हैं, स्क्रिप्ट इनका अलग है, प्रोनंसिएशन सारे का अलग है, तो फिर एक ही इनका भाषा ग्रुप में रखने का क्या इनका रीज़न है? तो इनका बहुत सारा एविडेंस है, इनके बहुत सारे पास्ट हैं, इनको इनके लैंग्वेजेज के, इन सारे लैंग्वेजेज के पास्ट को ट्रेस करते हैं, एविडेंस ढेर सारे जमा होते हैं, उनके बाद उन लोगों को एक ग्रुप में, एक फैमिली में रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, संस्कृत का एक वर्ड है भ्राता, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, भाई। कहते हैं कि इंग्लिश का वर्ड ब्रदर, जिसका मतलब भी भाई होता है, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, भ्राता वर्ड से डेवलप हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे रिलेशंस मिलते हैं लैंग्वेजेज में, तो उनको जो है एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इंग्लिश के बारे में एक चीज़ और जान लो कि इनका जो है डेवलपमेंट जो है मेनली बोला जाता है, ये जो डेवलप हुआ है ये जर्मन लैंग्वेज से हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि लिखा कुछ जाता है और उनका प्रोनंसिएशन कुछ होता है। यहीं पे आप अगर तीन वर्ड्स हैं इनका एग्जांपल लोगे तो तीनों वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर्स है वो सी एच, इसमें दूसरे वाले में भी सी एच और थर्ड वाले वर्ड में भी सी एच होता है, लेकिन अगर इनके प्रोनंसिएशन की बात करें, प्रोनंसिएशन की, तो केमिकल क होता है, शैम्पेन श होता है, और चर्च च होता है। रीज़न ये है कि ये केमिकल वर्ड, ये शैम्पेन वर्ड और ये चर्च वर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये इंग्लिश में आए हैं ग्रीक से, ये शैम्पेन वर्ड ये आया है आपको फ्रांस से, और ये चर्च ये वर्ड आया है आपका रोम से। यानी ये हो गए रोमन, आपके रोमन वर्ड है ये, और ये फ्रेंच वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड है। इसलिए जो है इनका प्रोनंसिएशन जो है अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखते हैं लेकिन उनका प्रोनंसिएशन टोटली डिफरेंट आता है। जैसे यहाँ पे एक सैम्पल ही आप देख लो, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, इनका बात करें तो लिखते पीछे हैं प, लेकिन साउंड का कोई पता नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है कि जैसे हम लोग हिंदी में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, जो लिखते हैं वो हमेशा पढ़ा नहीं जाता है सेम। इसीलिए क्या है कि हिंदी जैसे वर्ड हैं और संस्कृत भी, इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, फोनेटिक लैंग्वेज। कहने का मतलब कि जो बोला गया है वही लिखा भी गया है। लेकिन इंग्लिश की अगर बात करें तो इसे जो है
सिंबॉलिक लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ और जाता है। तो ये सारे रीजन हैं। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा फोनेटिक्स के बारे में चर्चा की थी, तो यहाँ पे हम लोग आइए देखते हैं और कुछ इसके बारे में जानकारी कलेक्ट किया है मैंने। साउंड्स, जो फोनेटिक्स के बारे में हमने बात की थी, ये फोनेटिक सिंबल मैंने कहा था कि 44 होते हैं, और इंग्लिश जो लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट होता है, ये 26 होते हैं लेटर्स। लेकिन सिंबल्स कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए जो सिंबल्स है वो 24 होते हैं, और वोवेल साउंड्स के लिए जो सिंबल्स होते हैं वो 20 होते हैं। और मैंने कहा था कि वोवेल साउंड्स भी कितने तरह के होते हैं, दो पार्ट में, एक मोनोफ्थोंग्स का जिसे हम लोग प्योर वोवेल साउंड बोलते हैं, और एक डिपथोंग्स का जो इम्प्योर वोवेल साउंड्स होते हैं। मोनोफ्थोंग्स 12 होते हैं और डिपथोंग्स 8 होते हैं। मोनोफ्थोंग्स और प्योर वोवेल कहने का मतलब इनका है कि ये जो है टोटली प्योर होते हैं, इनका किसी और वोवेल या कॉन्सोनेंट साउंड की सहायता से इनका प्रोनंसिएशन नहीं होता है, ये एकदम प्योर हैं। लेकिन डिपथोंग्स के बारे में क्या है कि ये जो है अदर वोवेल साउंड से मिलकर इनका क्या होता है, प्रोनंसिएशन होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, डिपथोंग्स या इम्प्योर वोवेल साउंड्स बोलते हैं। इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं, सिंबल्स देखते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पूरा वोवेल्स का है जो 20 है, और इधर पूरा कॉन्सोनेंट वाला पार्ट है जो क्या है, नीचे में 24 है। वोवेल्स को अगर देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे जो है आपको 12 जो है ये आपको मोनोफ्थोंग्स यानी कि प्योर वोवेल साउंड्स होते हैं, और ये जो है आपको डिपथोंग्स ये आपको जो है इम्प्योर वोवेल साउंड्स होते हैं जो 8 हैं। कॉन्सोनेंट में आप देख ही रहे हो 24 साउंड्स होते हैं। एक चीज़ अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि जो इंग्लिश में राइटिंग की स्क्रिप्ट है वो क्या होती है, रोमन होती है, और अगर हम लोग इसके साउंड्स की बात करें, तो साउंड्स जो है वो लिखा जाता है आपको, जो अभी आपने 44 साउंड्स का सिंबल देखा, ये सिंबल किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा पूरा फोनेटिक्स, जिसमें कवर करेंगे और जानेंगे कि प्रोनंसिएशन कैसे चेंज होता है, कैसे बदला जाता है और कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये थोड़ा बस आपकी जानकारी के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था, एटीमोलॉजी क्या है। एटीमोलॉजी में क्या होता है कि इसके बारे में बोलते हैं द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब वर्ड्स कहाँ से आया, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये लैंग्वेज में कैसे इंटर किया, भाषा कहाँ, वो लैंग्वेज जो है, वो वर्ड जो है कहाँ से आया इंग्लिश में, और हाउ देयर फॉर्म एंड मीनिंग हैव चेंज्ड ओवर टाइम, और समय के साथ साथ उनका मीनिंग और फॉर्म कैसे बदला। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक अगर आप एग्जांपल लो तो पहले जो है बियो वुल्फ, वुल्फ को स्पेलिंग लिखते थे WULF करके, और अब जो है हम लोग वुल्फ को WOOLF ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ओल्ड इंग्लिश में होता था, ओल्ड इंग्लिश कहने का मतलब 450 से 1100 तक ये जो है ओल्ड इंग्लिश था। तो इस सब के कारण जो है ओल्ड इंग्लिश में ऐसा स्पेलिंग हुआ करता था, और मिडिल और मॉडर्न में ये स्पेलिंग ऐसा हो गया। तो वही कहने का मतलब है कि समय के साथ इसका मीनिंग और इसका फॉर्म कैसे बदला। एटीमोलॉजी में इन सब सारे चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं। एक चीज़ देख लो कि इंग्लिश के बारे में अगर बात करें, और इसमें बोरोइंग्स कहने का मतलब दूसरे भाषा से जो है इंग्लिश में कर्ज लिया गया वर्ड है,
बोरोड है, या इनको क्वाइंड वर्ड्स भी बोलते हैं या फिर लोन वर्ड्स भी बोलते हैं। अगर इनका एक परसेंटेज देखें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लिश में 29% लैंग्वेज जो वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो 29% लैटिन के हैं। फ्रेंच वर्ड्स की बात करें तो ये भी 29% है इंग्लिश में, और जर्मनिक लैंग्वेज की बात करें तो ये भी 26% है। तो ये मेजर पार्ट्स इनका इंग्लिश लैंग्वेज में है। ग्रीक की बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज की 6% आपको मिल जाएगी, और कुछ जो है डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स, कुछ जो है वर्ड्स वो प्रॉपर नेम से ले लिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उसके बाद समझ में आ जाएगा डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स का करने का मतलब क्या है। और कुछ अननोन लैंग्वेज है जिनका सोर्स के बारे में पता नहीं है, वो भी इंग्लिश में इंटर किया हुआ है उन वर्ड्स ने। जैसे एक वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स की बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड में एक समय में क्या होता था, एक ग्रुप होता था लिंच नाम्स। ये क्या करते थे कि कुछ लोगों को बेवजह बिना कानूनी कार्रवाई के जुडिशियल एक्शन लिए बिना इनको जो है मार देते थे, इनको सजा सुना देते थे। तो ये जो लिंचिंग के का जो काम है ये एक आदमियों के लोगों के ग्रुप के द्वारा हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपको लिंच एक वर्ड मिल जाएगा। अक्सर आप पेपर में न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे मॉब लिंचिंग। अगर अदर लैंग्वेजेज की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके बारे में पता नहीं है कि इनका सोर्स क्या था, कहाँ से आया। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे गर्ल, जैसे बॉय, जैसे अदर लैंग्वेजेज से जैसे स्काई है, ब्लड है, बोन है, तो इनका तो पता नहीं है कहाँ से आया। लेकिन स्काई, ब्लड, बोन, ये आपने अगर वाइकिंग्स सीरीज देखी होगी तो ये जो सारे वर्ड्स थे ये वाइकिंग्स ट्राइब्स के कारण जो है इंग्लिश में आए थे, स्काई, ब्लड। कुछ अदर वर्ड्स की हम लोग बात करते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से, इवन हिंदी से और अरेबिक से भी। लैटिन से जो वर्ड्स आए हैं जैसे सन का एडजेक्टिव क्या होता है, सोलर। ये डोमेस्टिक, पैटर्नल, मैटर्नल, मून का लूनर, वो भी वर्ड लैटिन से ही आया है। अर्बन, रूरल, ये सारे वर्ड्स क्या हुए हैं हमारे, लैटिन से आए हैं। ग्रीक की बात करें तो डेमोक्रेसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, एटम, जूलॉजी, टेलीस्कोप, ये सारे वर्ड हमारे कहाँ से आए हैं, ग्रीक से आए हैं, और ढेर सारे वर्ड्स हैं ऐसे। मोस्टली जो है ग्रीक में क्या होते हैं, जो भी मेडिकल वाले सेक्शन हैं उसके बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे ग्रीक से। फ्रेंच से अगर हम मॉडर्न वर्ड्स की बात करें तो कैफे, सिनेमा, शैम्पेन, निकोटीन, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपको फ्रेंच से आए हुए हैं। हिंदी की बात करें तो आपको बंगलो, गुरु, कर्मा, सारी, ये सारे वर्ड्स हैं। जनरल प्रॉपर वे में आप लोग जो है एवरीडे वर्ड्स हैं, इनको आप लोग हर दिन देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो है हिंदी से आए हुए हैं। अरेबिक वर्ड्स की बात करें, सोफ़ा, जैकेट, मॉस्क, जीरो, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में कहाँ से आए हैं, अरेबिक से आए हैं। तो इनका एक प्रॉपर हिस्ट्री है जिसका हम लोग जो है स्टडी करते हैं एटिमोलॉजी के अंतर्गत हैं कि वर्ड्स से कहाँ से आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स जो है हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन कि उनके फॉर्मेशन के अनुसार से वर्ड्स चार पार्ट में, और एक होता है उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार से, एक होता है उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार से। तो प्रॉपर्टीज के अनुसार से 8 या 9 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, जिनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के अनुसार से कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में वर्ड्स को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वो है प्राइमरी वर्ड्स का,
प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं इनके बारे में, इनको बोला जाता है ओरिजिनल वर्ड्स हैं, जैसे सन, मून, डे, नाइट, स्कूल, गर्ल, बॉय, ये सारे वर्ड शुरू से मतलब पास्ट से ही चले आ रहे हैं और सारे वर्ड्स इसी तरह के हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड्स बोलते हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या है, दो प्राइमरी वर्ड्स को मिलाकर, रफली कहा जाए तो दो प्राइमरी वर्ड्स को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। जैसे स्वीट हार्ट, ऑफकोर्स सबने सुना होगा, ब्रेकफास्ट, वॉकिंग स्टिक, आफ्टरनून, लॉक कप, इनकम, लाइफ लॉन्ग, ल्यूक वार्म, गुनगुना जिसे बोलते हैं, एवर लास्टिंग, अपसेट एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपको, कंपाउंड वर्ड्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वीट और हार्ट दो प्राइमरी वर्ड्स हैं, मिलके बने हैं कंपाउंड वर्ड। ब्रेकफास्ट ठीक है, वॉकिंग स्टिक, आफ्टर नून, यहाँ भी दो पार्ट हैं, लॉकअप दो पार्ट, इनकम दो पार्ट, लाइफ लॉन्ग, इसी तरह से ल्यूक वार्म में भी ल्यूक और वार्म, एवर लास्टिंग में एवर और लास्टिंग, और अपसेट में अपर सेट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, दो प्राइमरी वर्ड्स को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो प्राइमरी डेरिवेटिव्स का है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो प्राइमरी वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग में माइनर चेंजेस करके क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी डेरिवेटिव्स बनाते हैं। जैसे वेक है, इससे वाज बना है, हॉट है, हीट बना है, वीट है, इससे वाइज बना है, ब्रेड है, इससे ब्रीद बना है, सीट है, इससे सीट बना है, ये सारे क्या हैं आपके प्राइमरी वर्ड्स, और इनके स्पेलिंग में माइनर चेंजेस करके हम लोग क्या बनाए हैं, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर जो अगला नेक्स्ट है आपका वो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स का है, तो इसके बारे में कहते हैं कि किसी भी प्राइमरी वर्ड के आगे में प्रीफिक्स और लास्ट में सफिक्स, ये ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, और इसीलिए इसको सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कहते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, तो किसी भी वर्ड के आगे में लगता है, और सफिक्स किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है, और उस वर्ड का फॉर्म और मीनिंग दोनों चेंज हो जाता है। जैसे थ्रोन नाउन है और इसका मतलब होता है गद्दी, डिथ्रोन कहने का मतलब, इसका नया वर्ड बनता है डिथ्रोन, इसका मतलब होता है कि गद्दी से उतारना, किसी को राज सिंहासन से उतारना, तो यहाँ पे ये वर्ब हो जाता है, पहले नाउन था अब वर्ब हो गया ये, और उसके बाद फॉर्म नाउन से वर्ब चेंज हो जाता है और मीनिंग तो चेंज हो ही गया। फ्रेंडशिप है, सफिक्स जोड़ दिए इसमें फ्रेंड में, तो फ्रेंडशिप एक नया वर्ड बनता है। डार्क और इसमें सफिक्स नेस जोड़ दिए तो हम लोग डार्कनेस एक नया वर्ड प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी डेरिवेटिव्स होते हैं कि प्राइमरी वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो आपने देखा कि फॉर्मेशन के अनुसार से वर्ड चार तरह के होते हैं, एक प्राइमरी वर्ड्स, दूसरा आपका कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स क्या है, दो प्राइमरी वर्ड्स को ऐड करके बनता है। ठीक है, फिर आपका थर्ड जो है वो प्राइमरी डेरिवेटिव, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो प्राइमरी वर्ड्स है इनमें स्पेलिंग में माइनर चेंजेस करके प्राइमरी डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स के बारे में आप लोगों को क्या पता चला कि किसी भी प्राइमरी वर्ड्स के आगे प्रीफिक्स या लास्ट में सफिक्स जोड़ के हम लोग एक नया वर्ड तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अनुसार से देखें तो वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ ग्रामेरियन का कहना है कि प्रॉपर्टीज के अनुसार से 8 पार्ट्स होते हैं, और कुछ का कहना है कि 9 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो 9 जो है, जो डिस्प्यूट वाला है, ये है डिटरमाइनर। कुछ ग्रामेरियन इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से रखते हैं, और कुछ ग्रामेरियन कहते हैं ये कि ये एडजेक्टिव में ही आ जाएगा। जैसे डिटरमाइनर्स होता है, इसमें होता है ए होता है, एन होता है, द होता है, उसके बाद क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स मतलब जो क्वांटिटी बताते हैं, अ फ्यू, मच, लिटिल, मोर एट्सेट्रा, और उसके बाद पजेसिव्स होते हैं जो अधिकार बताते हैं, जैसे हिज, हर, माई एट्सेट्रा, ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं, और भी डिटरमाइनर्स में होते हैं वर्ड। तो कुछ लोगों का कहना है ये सारे आपको एडजेक्टिव में है, तो इसको अलग से
पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए वो ग्रामरियन जो हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आठ पार्ट्स में ही मानते हैं, लेकिन जो ग्रामरियन डिटरमाइनर को अलग समझते हैं वो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 पार्ट्स का होता है। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो 9 पार्ट्स में ही करेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। तो जार स्टडी सेंटर 15th ऑफ अगस्त को आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आने वाला है, जिसमें आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ हमारे सभी फैकल्टीज को मेंबर्स से आपका परिचय भी कराया जाएगा। आई होप कि वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से जुड़ा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Stay home and stay safe.